MCT India. आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी पर बहुत बड़ी बात कही है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल चुके हैं, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा हमें दे दे, भाईचारा बना रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे ये भी कहते हैं कि मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बन रहे थे तो मस्त लग रहा था, और आज जब मस्जिद की जगह मंदिर बन रहे हैं तो बुरा लग रहा है। ज्ञानवापी पर बाबा बागेश्वर ने खुला पर्चा, शंकर जी निकलने हैं ये तय है। तहखाने पर बाबा का सीधा संदेश, तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है। मथुरा पर क्या बोले बागेश्वर धाम सरकार, तो भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा बस दे दो। भारत के 20 करोड़ भाईजान कृपया ध्यान दें, मंदिर तोड़कर जब मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर और अकबर के काल में तब मस्त लग रहा था, अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा तो दस्त लग रहे। दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमिनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ज्ञानवापी के तहखाने मामले में पूजा पर मुस्लिम संगठनों के नेता भड़के हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लग चुका है। मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है। 6 फरवरी तक तहखाने में निर्विघ्न पूजा पाठ चलती रहेगी। ज्ञानवापी परिसर के नीचे व्यास जी के तहखाने में 9 दिनों का अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। एक अखंड ज्योति जल रही है जो अब लगातार जलेगी, जिसे बुझने नहीं दिया जाएगा। व्यास तहखाने के बाहर से भक्त हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए तांता लगाए हुए हैं। तहखाने का झांकी दर्शन हो रहा है। इसी बीच बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्ञानवापी पर अपना पर्चा खोल दिया है। शंकर जी निकलने हैं ये तय है, उसकी वो जो है उसकी वो मनोयोग में तैयारी बनाए रखें, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे पास बैठ लें। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि 2-3 जगहों पर उनको तो सहजवश अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा बस दे दो, भाईचारा कायम रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का इशारा साफ है, बाबा बागेश्वर भी ज्ञानवापी के तहखाने को शिव के साक्ष्यों का खजाना मान रहे हैं। ASI ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि मौजूदा स्ट्रक्चर यानी मस्जिद जहां है वहां पहले भव्य मंदिर था। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 1। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 2। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 3। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 4। ज्ञानवापी में मस्जिद से पहले मंदिर, सबूत नंबर 5। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मंदिर मुगल बादशाह औरंगजेब के समय तोड़ा गया। मस्जिद बनाने में मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल हुआ। बाबा बागेश्वर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही है। मंदिर तोड़कर जब मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर और अकबर के द्वारा तब मस्त लग रहा था, अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा तो दस्त लग रहे। हमने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा सनातनियों ने, हमने सिर्फ अपने मंदिर को पुनः निर्माण कराया है। हिंदू पक्षकारों के मुताबिक आज से 1000 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में कोई मस्जिद नहीं थी।
मंदिर चतुष्कोणीय था, यानी उसमें चार मुख्य दीवारें थी। बीच में गर्भगृह था जहां विशाल शिवलिंग था। लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में, यानी आज से करीब 355 साल पहले, इस मंदिर के बीचों बीच एक घेरा बनाकर अंदर की बहुत बड़ी और विशाल जगह को एक मस्जिद घोषित कर दिया। एएसआई की रिपोर्ट में औरंगजेब के जीवन पर लिखी गई सबसे प्रामाणिक किताब मासीरे आलमगीरी का जिक्र किया गया है। मासीरे आलमगीरी को साकी मुस्ताद खान ने लिखा है, जो मुगलों के दरबारी इतिहासकार थे। साथ में वो मुगल शासक के वक्त फतवे, फरमान और दस्तावेजों के गवाह भी थे। इस किताब में औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने की घटना का पूरा जिक्र मौजूद है। साल 1669 था और तारीख थी 18 अप्रैल, जब औरंगजेब ने पूरे देश में फैले अपने सभी सूबेदारों को बेहद खास फरमान जारी किया। सभी सूबेदार अपनी इच्छा से हिंदुओं के सभी मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दे और मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दी। इस आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को यह खबर सुनाई गई कि काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। अभी ज्ञानवापी परिसर में ऊपर वजूखाना है, नीचे व्यास तहखाना है। ऊपर 5 वक्त का नमाज चल रहा है और नीचे तहखाने में 5 वक्त की पूजा हो रही है। बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर हर महादेव की गूंज है। अंदर घंटियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहा है, मंगल आरती हो रही है, अखंड ज्योति जलाकर गणेश लक्ष्मी की पूजा हो रही है, शिवलिंग स्थापित किया गया है, शिवलिंग के बगल में हनुमान विराजमान हैं और उनकी भी पूजा हो रही है। तहखाने की दीवारों पर मौजूद त्रिशूल और धार्मिक चिन्हों को पूजा जा रहा है। इस पूजा पाठ को लेकर मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है, जिसे लेकर बाबा बागेश्वर ने सनातन का पाठ पढ़ाया है। हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है, क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर हैं, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ, किसी ने संदेशवाहक कहा, किसी ने दूत कहा। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं इसमें भी कोई संदेह नहीं, चाहे वो इस्लाम हो या फिर एक सिख ईसाई हो, सब हमारे अपने। 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर में पूजा शुरू हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने का ताला खुला है। 31 साल से जहां घुप अंधेरा था, अब वहां आस्था का प्रकाश पसरा है। 31 साल से जहां सन्नाटा पसरा था, वहां शंखनाद हो रहा है, घंटियों की गूंज है, हो भी क्यों ना। कोर्ट के आदेश के बाद इस तहखाने में 31 साल बाद देवता पधारी हैं, उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। इस तहखाने में 1993 से पूजा पाठ बंद था। 31 बरस बाद यहाँ पूजा पाठ किया गया है। तहखाने की दीवार पर लाल चुनरी भी टंगी नजर आ रही है। पुजारी तहखाने में पूजा करते नजर आ रहे हैं। बुधवार की रात प्रशासन की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने तहखाने में साफ सफाई की, पूजा सामग्री पहुंचाई। ट्रस्ट के 5 पुजारियों को तहखाने में बुलाया गया, जिसके बाद पूजा पाठ प्रारंभ हुआ। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार ने एक और एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें व्यास जी के तहखाने में 15 दिन के लिए पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की गई है। हिंदू पक्षकार ने इस पर आपत्ति जाहिर करने के लिए समय मांगा है कोर्ट से। कोर्ट में इस पर अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। 31 जनवरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट गए थे, इस पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तहखाने को लेकर वाराणसी जिला अदालत के फैसले से शीशे की तरह साफ है, ज्ञानवापी की दीवारें बोल रही हैं। तहखाने बरसों से दफन राज उगल रहे हैं, तहखाने के जमा मिट्टी के एक एक कण शिव के साक्ष्य दे रहे हैं। ज्ञानवापी के नीचे का तहखाना सबूतों का खजाना बन गया है। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है, और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है।
आगे बढ़े और इस तहखाने से जुड़ी और जानकारी बताएं। उससे पहले आपको इस व्यास जी तहखाने की ज्ञान वापी परिसर में इसकी लोकेशन क्या है इसे जान लीजिए। कोर्ट में दाखिल वाद में बताया गया है कि व्यास जी का तहखाना ज्ञान वापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है। ये नंदी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हैं। नंदी के सामने ये जाली लगी थी और उसी जाली के उस पार ज्ञान वापी परिसर में तहखाना था। ज्ञान वापी परिसर में ऊपर वजूखाना है और उसके नीचे तहखाना है जिसमें पूजा पाठ शुरू हो गई है। जो आदेश ज्ञान वापी का आया है वो सहजवश आदेश है 1992 ने कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को, अभी ज्ञान वापी का निर्णय नहीं आया। ज्ञान वापी के दक्षिण की ओर मौजूद इमारत में मौजूद इसी तहखाने को प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार के मुख्य गद्दी माना जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि व्यास तहखाना ज्ञान वापी परिसर में वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करते आ रहा था। अंग्रेजों के समय भी मुकदमा जीत कर व्यास परिवार का कब्जा इस तहखाने पर बना रहा। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में अवैध रूप से पूजा बंद करा दी गई, वहां से पुजारियों को हटा दिया गया। एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी, लेकिन तहखाने में मौजूद चीजों के साथ कुछ भी नहीं किया गया। व्यास जी के तहखाने में 92 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया था। फैसले से वो अधिकार हिंदू पक्ष को फिर से मिल गया है। 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें पूजा का अधिकार मांगा था। 17 जनवरी 2024 को कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाया। फिर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली। 7 दिन बाद 24 जनवरी को तहखाने को डीएम की मौजूदगी में खोला गया था और आखिरकार 31 जनवरी को अपने फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। ज्ञान वापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं शताब्दी से लगातार इससे जुड़े सच को पर्दे में छुपाने की कोशिश की गई, अब हर सच्चाई परत दर पर खुलती जा रही है। हाल ही में जब कोर्ट के आदेश पर एएसआई रिपोर्ट सामने आई तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे हिंदू पक्ष का दावा और भी दमदार हो गया और अब तहखाने में पूजा के आदेश के बाद सब कुछ और क्रिस्टल क्लियर हो गया है। हालांकि अभी अदालती लड़ाई बाकी है, लेकिन एएसआई के साक्ष्यों को अकाट्य माना जाता है। राम मंदिर के मुकदमे में एएसआई के जुटाए सबूतों ने न्यायाधीशों को नतीजे तक पहुँचाया था, इसलिए राम मंदिर के बाद ज्ञान वापी के पुनरुद्धार की उम्मीद बढ़ गई है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि वो काशी और मथुरा स्वतः दे दें। उलझा